पकड़ी, पकड़ लो। बोलिए शनिदेव महाराज की। आजकल के प्रेत गिरते स्टाइल से दो भाग में गिरते हैं, वे न्यू गिर के अरे न्यू करके जब न्यू गिरते हैं पीछे में सिर तो मारते ही ना कथित। प्रेत बड़ा होशियार है, उसको पता है मुझे चोट लग जाएगी। कहाँ हो रखे हो? आज सारी रेडिएशन चली जाएगी तेरी, डॉक्टर तेरा कैंसर घोषित करके हटेगा। खड़ी होइए, कहाँ दर्द? जिम में क्या हो रहा है? पीछे हो तो जिम में रेडिएशन हो गया। जिम में कहेंगे इंजेक्शन लगा रहे? जमीन पे पैर मार, जोड़ो जोर जोर से। जय शनिदेव, जोर से और जोर से, जितनी जोर से मार देगी उतनी ठीक हो जाएगी। चल और जोर से, पहले एक बार रुक के देख दर्द कहाँ है। दोनों हाथ उठा ऊपर, कितना महसूस हो रहा? पहले से कम? फिर मार जमीन पे पैर। अब तो भाभी नहीं है जहां मैंने ऑपरेशन पे मारा है तेरे को, मारने का चट चट है वो, मारने की चट जो ऊपर ऊपर महसूस हो रही है। जोर से, तेरे केवल निगेटिविटी है। इस निगेटिविटी के बदले में बाबा रामदेव को कितने पैसे दिए? कितने रुपए की एक बार में आती है? एक बार में 4000 रुपए की दवाई आती है कम से कम, मिनिमम। और महीने में क्या बार लगती है? दो बार, तीन बार आ जाती है। हाँ, चार आती है 12000 रुपए। कई साल से चल रही है ये? तो भैया मेरी अभी 5-6 महीने से चल रही है, ऑपरेशन से पहले। हाँ तो 12×6=72, 1,00,000 रुपए करीब उसमें जा लिया बाबा रामदेव में, आयुर्वेदिक में है। और उससे पहले डॉक्टरों ने कैंसर बता दिया, जीभ में इंजेक्शन लगा रहे थे। जो जीभ वाला डॉक्टर था वो तो बहुत महंगा पड़ता है। कितना महंगा? बोलो मुंह से बोलो। कितना महंगा? 8-10 साल से इलाज चल रहा है। ये फिर बोलिए शनिदेव महाराज की। जीभ में क्या कैसे हो गया जीभ का इलाज? तूने तो उछल के पैर धरती पे मारे, जीभ का इलाज हो गया? जब कोई कारण नहीं जानेगा और उसका इलाज करेगा तो वो गधा है। वो तेरा इलाज 20 साल कर सकता है लगातार, ठीक है? और गधों की इस भारत में कमी नहीं है। आगे ना आगे हॉस्पिटलों में 90% जो डॉक्टर बने बैठे गधे हैं, नलायक है, नीच है। आगे ना समझ में, राजयोग भोग रहे हैं। नीचों का वो है ये कलयुग, इसलिए तो है कि जो नीच है वो राजयोग भोग रहा है। कलयुग किस लिए? इसीलिए है। पता नहीं है तो बोल तेरा कितने सालों से इलाज कर रहे हैं सारे मिलके, बताना जरा। 8-10 साल। सारी रिपोर्ट्स इकट्ठी करो, सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाएंगे सारे के सारे जाके। इन डॉक्टरों को सजा दिला के रहेंगे, हटेंगे बिना सजा दिलाए, मानेंगे नहीं है। मैंने 2000 वीडियो बना रखी है पूरी 1.5 साल में, सारी माताओं बहनों के फोन नंबर सबका सारी चीज ले रखी है। एक साथ इन पे हमला बोलूंगा, इनसे इतने मरीज ठीक ही नहीं होते। 90% मरीज डॉक्टरों से ठीक नहीं होते। दवाइयां दे रहे हैं, ऑपरेशन पे ऑपरेशन कर रहे हैं, और ऑपरेशन करने के बाद क्या देते हैं? 1.5 महीने बाद जी अब उठेगी, उठती नहीं है चार पाई से। फिर क्या देते हैं? वो उस पर घेर देता है, बोला जी इसकी थोड़ी मसाज करा लो उससे, वो दूसरे एक फिजियोथेरेपिस्ट हमारी जान को ऐसा भेज दिया। कुछ ये नहीं बताया मालिश वाला है दूसरा, अपने बच्चों की मालिश करो, प्रेत ही नहीं ठहरेगा शरीर में कहीं। भूल के सब मालिश करो, अपने बुजुर्गों के घुटनों के दर्द की मालिश करो, ठीक है? तब प्रेत वहां से हट जाएगा, घुटने काम करने लग जाएंगे। करके नहीं दिखा रहा हूं मैं। फिर
कहे के फिजियो जीरो नंबर के क्या आराम पड़ता है फिजियो से, खड़े करके दिया नहीं मैंने आराम, होगी तेरी जीभ की फिजियो होगी, पैर से किसकी फिजियो हो गई बता तू मेरे को, रोग कहां तेरे को, चला ऐसे बीमारी लपेटे बैठी है पागल कहीं की है, अपने आप को बीमार कर रखा है। देख सिकर तो सीए है, इससे पूछ रहे दुनिया में मेरे से होशियार कोई आदमी नहीं है। उछाल कूद के दो चार थप्पड़ मार के ठीक, जब कारण जानोगे ना तो कारण में एक ही भेद खुलेगा, वो ये भारत का खुलेगा कि जितने डॉक्टर है सारे गलत है, बिना कारण जाने दवाई दे रहे आगे ना 99% डॉक्टर गलत है। मैं तेरे को आज बताऊँ, भारत में अंग्रेजी चिकित्सा केवल ऊंची ऊंची बिल्डिंगें खड़ी करने के लिए बनी है और उन डॉक्टरों के पैसा जोड़ने के बनी है जो 2 करोड़ रुपए दे के डिग्री लेता है और 2000 करोड़ से ऊपर कमाता है। बोलिए शनिदेव महाराज की, बता तेरी जीव में कौन सा रोग है, कितने इंजेक्शन लगाए जीव में आज तक डॉक्टरों ने, जीभ का गले का 8-10 साल से इलाज चल रहा है। क्या है समझ में आ गया, डॉक्टर के चली मत जाइए निकम्मे के नीच के, 10 साल हो गए तेरे को इलाज कराते, कौन कौन से हॉस्पिटल में इलाज कराया बताना जरा। नाम बड़े और दर्शन लुच्चे, अच्छा छोटे हैं लुच्चे नहीं, वो भी मैंने जान पूछ के कहा है, मैं कहना ही चाहता हूँ लुच्चे ये जब आपको रोग कोई है दवा कोई दोगे भाई ठीक कहाँ से होगा मुझे यही बता दो, मेरे पास दुनिया आती है तूने देखा हर रोज लोग आते हैं, तूने ये भी देखा जिसको डॉक्टर की प्रॉब्लम होती है मैं उठा के भेज देता हूँ, देखा है ना, तो मैं कारण जानता हूँ इसके पीछे कारण क्या है, फिर वे क्यों नहीं भेजते निकम्मे हैं मशीनों से, तूने वो केस देखा भी जिसकी किडनी सिकुड़ गई, जिस आदमी के एक किडनी नहीं है वो रो रहा है उसके सारे परहेज बता दिए, वो कैसे उछल गई इतनी, जिसकी गर्दन में पट्टा बांध रखे उससे मैंने कलाबाती खिला दी कैसे खा गई वो बोलो, फिर पिछले 20 दिन के 30 दिन के केस देख लो तुम सारे के सारे, कल के ही देख लो, कल के जितने आदमी मैंने देखे सारे ठीक है थे कि नहीं, बोल ठीक हाँ, आज बुलाए मैंने सारे, बुलाए सारे दिखाए सारी दुनिया को दिखाए हैं, कैसे फेफड़ा पूरा हो गया कैसे उसकी है बंद हो गई तुम्हारे सबके सामने, फिर डॉक्टर की तो ये बात उसको मृत घोषित कर दिया जिंदे आदमी को, ठीक है बड़े हॉस्पिटल वालों ने निकम्मों ने नीचों ने, फिर वो कैसे जी गया। बोलिए शनिदेव महाराज की, इतनी गाली खा रहे मेरे मुंह से, इतनी गाली खा रहे, किसको दूं गाली, भर भर पेट दूंगा, निकम्मों ने काम ही ऐसा कर रखा है, देश बर्बाद कर दिया अंग्रेजी चिकित्सा ने, ठीक है वैसे तो आयुर्वेद की भी महंगी है, तूने आयुर्वेद की खानी थी तो वैद्यनाथ की खा लेती, डाबर की खा लेती, तू बाबा रामदेव के चक्रव्यूह में कैसे फंस गई, वो भी 70,000 रुपए की देती 6 महीने में तेरे को, तो साल की तो 1.5 लाख की देगा आगे समझ में, और 10 साल दवाई खिला देगा, फिर 1.5 लाख 10 साल खाए 15 लाख रुपए बाबा रामदेव के पहुंच गए तेरे जीवन के,
तेरे बच्चे कैसे पलेंगे। इसके बीच में समस्या ये आती है गरीब का, क्या एक मकान दिया नरेंद्र मोदी ने, उसको बिकवा के डॉक्टरों ने धर लिया अपने घर में, आदमी की तो हो गई इस तरह से। चिकित्सा और शिक्षा, आदमी का सारा पैसा जड़ सहित ले जाती है। ब्याह करने के लिए कुछ नहीं बचता, औरत को रोटी खिलाने के लिए कुछ नहीं बचता, आगे बच्चे पालने के लिए उसके पास कुछ नहीं बचता, बर्बाद कर दिए। लोग जय शनिदेव बोलो, सदा सुखी रहो। बोले शनिदेव महाराज की। डॉक्टरों में और तेरे मनु भैया में क्या अंतर है बता। बहुत अंतर है भैया। क्या अंतर है भैया? मेरे को तो 1.5 साल हो गया आते आते। पहले मैं इतने हॉस्पिटलों में जाती थी, बहुत चक्कर काटती थी हॉस्पिटलों के, क्योंकि आए दिन मेरे को कुछ ना कुछ रोज डेली परेशानी, सोचती थी आज यहाँ चली जाऊँ, क्या पता ठीक हो जाऊँ, वहाँ चली जाऊँ। लेकिन जब से मैं आपके पास आ रही हूँ, अब मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, खाली रामदेव बाबा की एक बारी ही दवाई। उत्तरोत्तर उसमें आराम पड़ते जा रहे हैं, जैसे डॉक्टरों के यहाँ दवाई ले रही थी और बीमार पे बीमार हो रही थी, लेकिन जब से यहाँ दवाई ले रही है उत्तरोत्तर आराम करते जा रहे भाई। अगर दिखाना है उधर लाइन में।